आगे फिर देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के रिवर सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने कवर क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने हिमालय रिवर को पूरा कवर कर लिया है, इंडस रिवर, हिमालय में तीन पार्ट मैंने पढ़ाने वाला था, पहला था इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, इन तीनों को मैंने कवर कर दिया है हिमालय की पिछले वीडियो में। अगर आप नए हो या आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो तो आप पहले पिछले वीडियो को देख के आइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं समझेगा अगर पिछला आप नहीं देखोगे तो। तो अब लास्ट टॉपिक है रिवर का, जिसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की रिवर। मैंने दो टाइप्स बताया था, हिमालय रिवर और प्रायद्वीपीय। तो हिमालय खत्म हुआ, अब प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न करके पढ़ेंगे, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से प्रायद्वीपीय पठार को देखोगे तो ज्यादातर रिवर, ठीक है, ये साइड ही बहते हुए दिखाई देती है, ज्यादातर रिवर आपको देखिए ये सारी रिवर है, बट इस साइड पे रिवर मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इस साइड पे ज्यादा रिवर है ही नहीं, तो हमको ज्यादा फोकस इस साइड पे करना है, पूर्वी पे, ठीक है, ना कि पश्चिमी पे। ईस्टर्न पे ज्यादा करना है, वेस्टर्न पे कम करना है, ठीक है। वेस्टर्न पे दो चार रिवर है, मैं लिखवा दूंगा, ऐसे कोई फैक्ट छूटेंगे नहीं, मैं आपको सारी चीज लिखवाऊंगा, ठीक है, यहाँ मैप में तो नहीं बनाया हूं बट लिखवाऊंगा जरूर, ठीक है। बस हम नोट्स को कंप्लीट करते चले जाइए, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ पॉइंट बोलूंगा, आप लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है, ठीक है, वो पॉइंट्स को आपको समझना है ज्यादा, क्योंकि समझ में आया तो ही ज्योग्राफी आया, समझ में नहीं आया तो ज्योग्राफी नहीं आया, ठीक है, सिंपल सा लाइन है, क्योंकि ज्योग्राफी रटना नहीं होता, ज्योग्राफी को समझना होता है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, एमपीएससी हो गया, तो वहां पे ज्यादातर चीजें जानकारी मतलब अंडरस्टैंडिंग से पूछी जाती है कि आपको ये समझा है कि नहीं, अगर समझा रहेगा तो ही आप उसको लिख पाएंगे। खासकर तो मेंस एग्जाम में आप जब तक चीजों को डीपली समझ नहीं पाओगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, वेस्टर्न है ईस्टर्न, तो पहले मैं वेस्ट की बात कर लेता हूँ और फिर ईस्ट की बात कर लेता हूँ। इससे पहले, इन दोनों को बात करने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग चीजें जिसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं जिसपे हम फोकस नहीं करते हैं, बट उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। हिमालय रिवर 12 माह बहने वाली नदियां हैं, हिमालय रिवर 12 माह बहने वाली नदियां हैं, हिमालय कंटिन्यू 12 महीने बहता है, बट प्रायद्वीपीय रिवर यह कंटिन्यू नहीं बहता, ठीक है, वर्षा काल में ही बहता है, रेनफॉल जब होती है, जब बारिश होती है तभी ये फ्लो करता है, अदरवाइज ये फ्लो नहीं करता है। बट हिमालय की रिवर ऐसी रिवर है जो 12 माह बहने वाली नदियां होती है, गंगा रिवर कंटिन्यू बहती रहती है 12 महीने, ठीक है, गर्मी के मौसम जैसे खत्म होने वाला रहता है उनकी नदियों के पानी में मतलब चढ़ाव आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी है, भर पानी आ जाता है उसमें, कहां से आता है, इसके दो रीजन है, ठीक है, दो रीजन कौन कौन से है, पहला रीजन है ग्लेशियर, ठीक है, पहला रीजन क्या है, ग्लेशियर, ठीक है, मैं बोल देता हूँ आप समझ लीजिए, पहला है ग्लेशियर और दूसरा है वर्षा, ठीक है, रेन। तो आपको पता है कि गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है, मैंने आपको पूरा उसका सिस्टम बताया हुआ था, आप मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको नहीं समझा रहेगा तो आप फिर से देख लीजिए। तो मैंने आपको बहुत सारे ग्लेशियर के नाम बताए थे वहां पे, तो उन ग्लेशियर का क्या होता है, वो ठंडी में तो जम जाते हैं, ठीक है, जब विंटर होता है तब वो जम जाते हैं, और फिर जब समर आता है तो इतनी ज्यादा समर हो जाती है कि वो बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है, तो जब वो पिघलता है तो उनमें एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब इकट्ठा होता है, ठीक है, और वहीं से वो बहना स्टार्ट करता है, और गर्मी जैसे मार्च अप्रैल मई तक आते आते पूरी बर्फ पिघल जाती है और एक रिवर का रूप ले लेती है, और वही रिवर कंटिन्यू बहते रहती है, बारिश के कारण बहती है, और वो कुछ दूर तक चलती है, जब बारिश खत्म होती है ठंडी आती है तब वहां पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है, वापस से ठंडी के समय में फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय की जो रिवर है ज्यादातर ग्लेशियर से निकलती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, हिमालय की सारी रिवर कहां से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, बट एक रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी ऐसी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, उस रिवर का नाम मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो सारी रिवर कहां से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए वो 12 माह बहने वाली नदियां हैं। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर है नहीं, यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर नहीं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पे कर्क रेखा होके जाती है, ठीक है, यहाँ तक तो ठंडी होती है बट कर्क रेखा पे ज्यादा उतना ग्लेशियर बनने लायक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर पाया नहीं जाता है। और यहाँ पे ये जो रिवर्स होती है ये सीजनली होती है, सीजन पे डिपेंड करती है, मौसम पे डिपेंड करती है, जब बारिश होगी तभी इनमें पानी होगा, अगर बारिश नहीं हुई तो इसमें पानी नहीं होगा, ठीक है।
प्रायद्वीपीय पठार ये बहुत ओल्डेस्ट है, आपको पता है बहुत ज्यादा हमारा हिमालय बहुत नया है, बट हमारा प्रायद्वीपीय पठार बहुत ज्यादा ओल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझना है, ठीक है, लिखना नहीं समझना है। तो हिमालय की जो रिवर है वो बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है, हिमालय की जो रिवर है ठीक है बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट है, मतलब जिसे अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करूं तो ये सिर्फ तिब्बत में 1700 किलोमीटर फ्लो करती है, मैंने लिखवाया था। और इंडस रिवर की बात करूं तो यहाँ पे आता है, ठीक है, गंगा रिवर की बात करो तो बांग्लादेश तक, ठीक है, उनके ओरिजिन से उनके एंड पॉइंट तक उनको जगह बहुत मिल जाता है, इसलिए वो फ्लो बहुत लंबा कर पाती है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऊपर ही पाई जाती है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ज्यादा फर्क या ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत का जो मैप है जो अर्थ है वो क्या है सकरा, मतलब नीचे की तरफ कम होते हुए चले, इसलिए उनको फ्लो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ से स्टार्ट होती है उनका एंडिंग पॉइंट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, बताइए कि सारी रिवर इसी साइड क्यों जाती है, तो उसका रीजन ये है कि ईस्ट साइड पे हमारा जब भारत, ठीक है, हमारा भारत जब ईस्टर्न प्लेट से अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ था तब टकराव के कारण ये झुक चुका था, एक तरफ टिल्टेड हो चुका था, तो पूर्व की तरफ क्या हो चुका था झुक गया था, जिसकी वजह से सारी रिवर इस साइड आना स्टार्ट कर दी थी। ये तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन में बताऊंगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से तापी और नर्मदा रिवर, ये दोनों रिवर कहाँ पे जाती है अरेबियन सी में, और भी कहीं छोटी छोटी रिवर है जो अरेबियन सी में जाके मिलती है, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई समझने की, एक पॉइंट और है समझ लीजिए, देखो प्रायद्वीपीय पठार की मैक्सिमम ऊंचाई 800 मीटर है, कितनी 800 मीटर है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है मैक्सिमम 800 मीटर है, बट अगर ग्लेशियर से बात की जाए तो ग्लेशियर के साइड पे माउंटेन्स की ऊंचाई 4000 तक चली जाती है, ठीक है, 4400 मीटर तक चली जाती है। और आपको ये पता होगा या मैं बता देता हूं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में घिराव आते हैं, टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे मैं नीचे इधर मुझे जीरो दिया हुआ, जैसे मैं 1 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचता हूँ वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस में क्या आती है कमी आती है टेम्परेचर में। तो जैसे जैसे जो हमारे माउंटेन्स हैं जब वो उनकी ऊंचाई बढ़ती है तो उसी तरह से टेम्परेचर भी कम होता है और ऊपर साइड पे पूरा का पूरा ग्लेशियर जम जाता है, ठीक है, और वही ग्लेशियर गर्मियों में पिघल के नीचे की तरफ आता है, बट हमारा इनकी जो ऊंचाई है वो 800 मीटर ही है। और अच्छे यहाँ पे जो माउंटेन्स की ऊंचाई है ठीक है वो इस तरह से है, इस तरह से ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम, ये शिवालिक लघु और बृहत और ये ट्रांस, तो आप देख लो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचाई है। अगर मैं इसी को मैप को कंटिन्यू करूं तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार इतने डिफरेंस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार की रिवर्स जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, जबकि यहाँ के रिवर्स के जो चाल है वो चेंज भी होते रहती है, ठीक है, ऐसे सांप देखियो, सांप उसी तरह से सांप के जैसे डायरेक्शन में वो घूमते भी रहती है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रिवर एक ही रास्ता फ्लो करती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी घाटी को बहुत ज्यादा सकरा कर दिया है जमीन की तरफ, बोलते हैं सी लेवल प्राप्त कर लिया है, सी लेवल मतलब यहाँ पे अगर पानी का लेवल है, अगर ये रिवर फ्लो कर रही है तो उसको कुछ भी चेंज बदलाव करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको सी लेवल प्राप्त है, बट अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स ऊंचे रहेंगे तो उसको इस सी लेवल प्राप्त करने के लिए वो घाटी को और सकरा करेगा, नीचे करते जाएगा, ऐसे में आएगा जब वो नीचे तक टच कर लेगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि वहां की रिवर्स क्या होती है ज्यादातर सर्फ होती है, सर्फ मतलब सांप जैसे घूमने वाली होती है, बट यहाँ की रिवर्स क्या होती है एक ही रास्ता फ्लो करती है और कंटिन्यू यही रास्ता कई सालों से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई समझने की, ठीक है, अब अगला हेडिंग डालते हैं, पहले हम वेस्टर्न से पढ़ेंगे फिर ईस्टर्न पे जाएंगे, ठीक है, तो डालिए, हाँ, तो ये पेनिनसुला रिवर सिस्टम है, आप पहले हेडिंग डाल लीजिए पेनिनसुला रिवर सिस्टम प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, जल तंत्रिका, प्रायद्वीपीय पठार जल तंत्रिका लिख दीजिए या पेनिनसुला प्लेट्स लिख दीजिए, ठीक है। तो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम में हम पहले क्या पढ़ेंगे वेस्टर्न और फिर ईस्टर्न पढ़ेंगे, तो वेस्टर्न घाट पे ज्यादा रिवर्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया दो ही रिवर फ्लो करती है मेन रिवर तापी और नर्मदा, तो पहले आप नर्मदा हेडिंग डाल लीजिए, नर्मदा,
नर्मदा यहाँ कहां से इसका ओरिजिन होता है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीचों में से, ठीक है, बीच में से ये आती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक प्लेटू कहां पे है ये आप मुझे बताएंगे, अमरकंटक प्लेटू कहां है मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, कुछ दूर फ्लो करते हुए गुजरात से में जाती है और फिर वहीं से बे ऑफ अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और कहां कहां पे फ्लो करती है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लीजिए, कहां कहां पे फ्लो करती है, एमपी में, महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में, ये तीन स्टेट में फ्लो करती है। ऐसे ऐसे कभी पूछ लिया जाता है, बताइए कि नदियां, कोई भी नदी का नाम लेगा बोलेगा बताओ किस स्टेट में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और ये मर्ज कहां पे होती है, गुजरात में, गुजरात में ठीक है, ये नाम लिख लीजिए, गुजरात में बारूच नाम के प्लेस पे क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए अगला पॉइंट है तापी रिवर। तापी रिवर, तापी रिवर का ओरिजिन कहां पे है, ठीक है, तापी रिवर का ओरिजिन ये, अच्छा तापी रिवर आपको मैंने यहाँ पे जब मैं विंध्य रेंज सतपुड़ा रेंज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको तापी रिवर और नर्मदा रिवर दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल बताए हुए थे, ठीक है, क्योंकि जब मैं माउंटेन्स पढ़ रहा था तो उस माउंटेन से कौन सी रिवर निकल रही है वो मैंने वहां पे आपको लिखवा के दिया था। तो वही चीजें बार बार मत लिखिए, कहने का अर्थ है कि वो चीजें आप वहां पे भी पढ़ोगे यहाँ पे भी पढ़ोगे तो डबल डबल बार हो जाएगा, आपका सिलेबस ज्यादा पढ़ा जाएगा। ये बात सच है कि डबल डबल बार होगा तो आपका रिविजन ज्यादा होगा, बट फिर भी अगर आप एक टाइम पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप इसको मत लिख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लिख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है, तो महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों जगह पे ये फ्लो करता है। इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियों का नाम लिख लीजिए, लिखिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी, तापी रिवर, कौन कौन सी है, पूर्णा रिवर, इसको लिख लीजिए पूर्णा रिवर, और एक है ट्रिब्यूटर, ठीक है, ये दोनों नाम आप लिख लीजिए इसकी सहायक नदियां, ठीक है। उसी तरह से साबरमती रिवर कहां से निकलती है, अरावली रेंज से, ये भी मैंने आप नेक्स्ट टाइम बताया था, ठीक है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। साबरमती कहां से निकलती है, अरावली से। दो रिवर और है जिसका नाम है माही, ठीक है, माही रिवर कहां से निकलती है, विंध्य रेंज से निकलती है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। अब दो रिवर इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए, गोवा, गोवा में दो रिवर ऐसी हैं जो कहां पे जाके मिलती हैं, कहां पे, अरेबियन सी में, उसका नाम क्या है, मंडोवी और जुअरी, ठीक है, ये दोनों नाम लिख लीजिए। ये दोनों रिवर किसकी है, मंडोवी है जुअरी, ये दोनों रिवर किसकी है, गोवा की, ठीक है। ये दोनों भी रिवर कहां पे जाके मिलती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ठीक है, इन गोवा। दो रिवर के नाम और लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, मैं बोलता हूँ आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप पेरियार देख रहे होंगे, ठीक है, पेरियार रिवर जो कि इसी साइड पे जाके मिलती है, पेरियार और पंबा, ये कर्नाटक में फ्लो करती है। कर्नाटक में दो रिवर, जिसे गोवा का लिखा है इसे आप लिखिए कर्नाटक के, पंबा एंड पेरियार, ये दोनों रिवर भी कहां जाके मिलती है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, वेस्टर्न की, ठीक है। अब हम चलते हैं ईस्टर्न घाट्स पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट पे देखो ये रिवर्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनको क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रम से लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। क्रम से क्या लिखेंगे कि पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी तट या ईस्टर्न तट। ईस्टर्न तट पे हम क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ नदियों का क्रम इस तरह है कि, इस तरह है कि पहला हुगली रिवर, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्र, पर्णी, ये सारे रिवर है नॉर्थ टू साउथ, आप ध्यान से रखिए। और साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ भी आप इसको याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्रम में लगाने के लिए या फिर उल्टा भी लगाने के लिए बोल सकते हैं। और बीच में भी कोई भी रिवर छूटनी नहीं चाहिए, आप उसको भी ध्यान में रखिए। जैसे आपने हुगली दामोदर तो पूछ लेगा कि स्वर्ण और महानदी के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वैतरणी, ठीक है।
तो ये बात हो गई इनकी क्रम क्रम में, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए हुगली, एक एक रिवर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हुगली, हुगली रिवर यह गंगा रिवर की दूसरी रिवर है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा दो पार्ट में डिवाइड जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा का नाम भागीरथी हो जाता है और हुगली रिवर गंगा से अलग होकर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए दामोदर, दामोदर, दामोदर रिवर यह हुगली की सहायक नदी है। देखो यहाँ पे इसकी सहायक नदियां है। दामोदर यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। और हुगली रिवर से जाके मिल जाती है। हुगली रिवर आप पूछेगा कि बताइए दामोदर देव बंगाल में जाके मिलती है? नहीं, हुगली, दामोदर हुगली की सहायक नदी है तथा हुगली यह बे बंगाल में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो इससे मिलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। पहला पॉइंट लिखिए स्वर्ण रेखा, यह रांची, रांची के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है? रांची के निकट से निकलती है। कुछ दूर फ्लो करने के बाद कुछ दूर फ्लो करती है और फिर कहां जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा, हाँ एक नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए कि ये रिवर क्या है? बहुत ज्यादा गंदी रिवर है। मतलब गंदी रिवर मतलब इसमें बहुत ज्यादा कचड़े भरे पड़े हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एनिमल्स नहीं होते, इसमें कोई भी फिश नहीं है, ज्यादातर कुछ भी नहीं है। एनिमल्स की कमी बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि रिवर अगर गंदा है तो वहां पे सीधी सी बात है कि कोई भी वाटर एनिमल यहाँ पे आने वाले नहीं है। क्यों गंदा है? क्योंकि रांची ये कहाँ पे, जमशेद, सॉरी जमशेद जो कंपनियां हैं, ठीक है, ज्यादातर कंपनियां कहाँ पे स्टैब्लिश है? इस स्वर्ण रेखा के नजदीक में ही है और उनके द्वारा फैलाए गए गंदगी कहाँ पे आती है? वो सब स्वर्ण रेखा में, जिसकी वजह से स्वर्ण रेखा का पानी अधिक ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा के नजदीक में, ठीक है। वहां पे बहुत सारी कंपनियां है जिसकी वजह से स्वर्ण रेखा का पानी गंदा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप वैतरणी, ठीक है। वैतरणी कहाँ पे? देखो यहाँ पे वैतरणी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ से लिखिए वैतरणी रिवर यह ओडिशा के क्योझर से निकलती है। मेरा यहाँ मैप में थोड़ा सा दूर हो गया बट आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आप मैप में देख देख के पढ़िए, मैं तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ बट आप मैप में देख देख के इसको पढ़िए, ये रिवर कहाँ से निकलती है। मैप में दो तीन बार देखोगे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए ओडिशा के क्योझर जिले से निकलती है और यह फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इनको लिखना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है। तो क्योझर से निकलती है ओडिशा के और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अगला हेडिंग डालिए ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर डालिए। ब्राह्मणी रिवर यह भी छोटा नागपुर, रांची के निकट से निकलती है। रांची के निकट से निकलती है, कहां से निकलती है? देखिए इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस आप अगर क्रम में याद कर लिए कहां से निकलती है, कहां फ्लो करती है, किन किन स्टेट में और कहां जाके मिलती है, तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अबे हमको यहाँ पे तीन एक एक पॉइंट याद करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर, वैतरणी और ब्राह्मणी, सॉरी दामोदर स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, दामोदर स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी यह तीनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। वही रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। तीनों लिख लीजिए दामोदर स्वर्ण रेखा, दामोदर स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, ये तीनों कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला हेडिंग डालिए महानदी, अगला हेडिंग क्या डालना है आपको? महानदी, ठीक है। जब मैं आपको पठार पढ़ा रहा था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दंडकारण्य पठार पढ़ा था, ठीक है। दंडकारण्य पठार यहाँ पे था ना, सतपुड़ा था, यहाँ पे दंडकारण्य था, नहीं याद है तो आप जाके पीछे देख के आइए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। कुछ दूर फ्लो करने के बाद, कुछ दूर फ्लो करने के बाद कटक, इसको नाम बोलते हैं कटक, ठीक है। क्या बोलते हैं? कटक के पास यह डेल्टा फॉर्म करती है। कटक के पास ओडिशा में यह क्या फॉर्म करती है? डेल्टा फॉर्म करती है, कौन? महानदी। तो कटक के पास अपना इतना पॉइंट लिख लीजिए कहां से ओरिजिन है। कटक के पास यह क्या फॉर्म करती है? डेल्टा फॉर्म करती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और ये रिवर क्या करती है? छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन बना देती है, ठीक है। रिवर के द्वारा क्या बहा कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इसकी जो मिट्टियां होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से
छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है। आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है निकट, किसके निकट में होती है, महानदी के रिवर के जस्ट बाजू में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए गोदावरी। अब हम रिवर कौन सा देखेंगे, गोदावरी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बाद थोड़ा सा डीप में देखते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर यह, गोदावरी रिवर यह, इसकी लंबाई, हाँ गोदावरी रिवर की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितनी, 1465 किलोमीटर। ठीक है, 65 किलोमीटर। अब इसके नीचे पॉइंट और लिखिए, गोदावरी रिवर यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। गंगा रिवर यह भारत की सबसे पहली लंबी रिवर है, जिसकी लंबाई 2525 है या 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे पहली रिवर गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर है। अगला पॉइंट लिखिए, गोदावरी यह नासिक के त्रिंबक से निकलती है। गोदावरी रिवर यह नासिक के त्रिंबक से निकलती है तथा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लो करते हुए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फ्लो करते हुए ये कोलेरू, सॉरी हाँ राजमुद्री, यहाँ पे पॉइंट है, ये जो डॉट बना हुआ है राजमुद्री में, लिखिए कंटिन्यू कीजिए कि महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फ्लो करते हुए यह राजमुद्री पर डेल्टा बनाती है, राजमुद्री। ठीक है, राजमुद्री में क्या करती है, डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, राजमुद्री पे यह डेल्टा फॉर्म करती है। याद है, हाँ तो, हाँ तो मैंने आपको यहां पे बताया कि महानदी कटक के पास क्या करती है, डेल्टा बनाती है। सेकंड मैंने आपको बताया गोदावरी, ठीक है, गोदावरी राजमुद्री के पास अपना डेल्टा फॉर्म करती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, अभी अगला पॉइंट कृष्णा रिवर। ठीक है, पहले गोदावरी की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदियां आप लिखिए, ठीक है, लिखिए, मैं नाम बताता हूं आपको सहायक नदियां, वैनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती पर प्राणहिता और मंजीरा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, मंजीरा। तो आप लिख लीजिए इन सब रिवर के नाम, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं किसकी, गोदावरी की, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बोला, प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, और फिर मंजीरा और प्राणहिता। तो ये रिवर किसकी है, सहायक नदियां, गोदावरी रिवर की, इसमें से इंद्रावती या ओडिशा से निकलती है, इंद्रावती। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ना, ये सब गोदावरी रिवर की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियां ये सब है, ठीक है, इसमें से मंजीरा जो है ये वाला, ठीक है, मंजीरा ये लेफ्ट राइट साइड की रिवर है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में गोदावरी रिवर की राइट रिवर कौन सी है, तो वो कौन सी है, मंजीरा, जो दक्षिण साइड से मिलती है, ठीक है, और बाकी सब कहां से मिलती है, लेफ्ट साइड से मिलती है, उनके वैनगंगा, पेनगंगा, जिसमें से पेनगंगा रिवर, जिसमें से पेनगंगा रिवर यह सबसे लंबी रिवर है। आप मैप में देख के इसको पढ़िए, और बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, बट फिर भी आप याद रखिए। अगला लिखिए कृष्णा रिवर, अगला लिखिए कृष्णा रिवर, हेडिंग डाल दीजिए कृष्णा रिवर, यह महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और फिर फ्लो करते हुए, ठीक है, फ्लो करते हुए, हाँ विजयवाड़ा, फ्लो करते हुए विजयवाड़ा पे डेल्टा फॉर्म करती है, फ्लो करते हुए विजयवाड़ा, नाम याद रखिए विजयवाड़ा, इसका विजयवाड़ा, राजमुद्री, कटक, कटक पे कौन फॉर्म करता है, महानदी, राजमुद्री पे गोदावरी, और विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पे कौन, कृष्णा रिवर फॉर्म अपना डेल्टा बनाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि महाबलेश्वर या कृष्णा रिवर कहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, तो विजयवाड़ा है, ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां, और ये दोनों जाके मिल जाती हैं, ठीक है, इनकी सहायक नदियों के बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आप इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है।
और एक चीज, इसको दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है। पहली कौन सी है? गोदावरी। दूसरी कृष्णा रिवर, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है। थर्ड पॉइंट लिखिए इनकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियां कौन कौन सी है इनकी? तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, कोयना, मूसी, ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा, ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा। तो ये लिख लीजिए, इसमें से लिखिए हैदराबाद यह मुंशी रिवर के निकट है। हैदराबाद जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना की, वहां पे लिखिए यह मुंशी रिवर के निकट स्थित है, ठीक है। और इसमें से तुंगभद्रा जो है यह सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। किसकी? कृष्णा रिवर की। तुंगभद्रा रिवर यह सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और तुंगभद्रा दो रिवर के मिलने से बनी हुई, इसलिए इसका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। यह सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। किसकी? कृष्णा रिवर की। एक ही नहीं है, इसके और भी अनेक रिवर है, बट आप छोटी छोटी यहाँ पे छोटी छोटी रिवर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नाम आप याद रखिए। तो ये तुक और बंद्रा ये दोनों रिवर आपस में मिलती है और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बनाती है कृष्णा रिवर की, ठीक है। कृष्णा रिवर है सेकेंड साउथ इंडियन की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील किन दो डेल्टा के बीच में स्थित है? तो किन दो डेल्टा के बीच में स्थित है? गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। या फिर ऐसा है कि नाम को पूछ लिया कि राजमुद्रा और विजयवाड़ा के बीच में कौन सा झील स्थित है? तो कौन सा झील? कोलेरू झील स्थित है। विजयवाड़ा एंड राजमुद्री के बीच में कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, किस डेल्टा पे पूछा है या फिर किस जगह पे पूछा, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अभी पेन्नार, ठीक है। पेन्नार में क्या दिया हुआ है? अभी ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, इनमें हम सिर्फ इनके ओरिजिन और कहाँ फ्लो करते हैं बस उतना देख लेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पेन्नार कावेरी, ये नंदी हिल से निकलती है, यहाँ पे एक नंदी हिल है, ओरिजिन लिख लीजिए पहले, नंदी हिल में निकलती है, नंदी हिल से निकलती है, ठीक है। पेन्नार अगर झील पूछता है पेन्नार जो रिवर है कहां से निकलती है, तो नंदी हिल से निकलती है, ठीक है। कुछ दूर फ्लो करने के बाद ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगला पॉइंट लिखिए कावेरी, कावेरी रिवर यह ब्रह्मगिरी, कावेरी रिवर यह ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और फिर डेल्टा फॉर्म करती के कहां पे पानी गिरा देती है? अपना बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए कावेरी यह दक्षिण साउथ की या दक्षिणी भारत की क्या है? साउथ इंडिया की क्या है? गंगा। इसको गंगा रिवर बोला जाता है, कहां पे? साउथ इंडिया में या दक्षिणी भारत में इसको गंगा के नाम से जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में गंगा किस रिवर को बोला जाता है, या कावेरी रिवर को किस गंगा से संबोधित किया जाता है? तो गंगा रिवर से, ठीक है। कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है जो हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, मतलब 12 माह बहने वाली नदियां है ये, इसलिए इसको गंगा बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी 12 महीने पानी होते हैं। कैसे? दो रीजन है इसके, ठीक है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। जिस तरह से यहाँ पे सर्दियों में बर्फ पिघल के गर्मियों में बर्फ पिघलती है और फिर वो पानी का लेवल ऊपर होता है गर्मी में, ठीक है, बारिश आते आते पानी एकदम मचा कुछ भर जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कावेरी रिवर में पहले तो इन हवाओं की वजह से बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको पता है कोरोमंडल है, ठीक है, नाम कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, यहाँ पे कोरोमंडल है। तो कोरोमंडल पे जब ये हवाएं, ठीक है, यहाँ पे पहुंचती है तो कोरोमंडल पे एकदम मजबूत वर्षा करती है, ठीक है, क्योंकि कोरोमंडल की जो चोटियां हवाओं को अवरुद्ध करती है, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा करती है। पश्चिमी पूर्व की हवाएं जब यहां से इस तरफ आती है, ठीक है, तो जब मैं आपको मॉनसून पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट मैं उस समय बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बट अभी नॉलेज के लिए समझ लेते हैं क्यों इसको गंगा बोला जाता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और कोरोमंडल पे जब पश्चिमी पूर्वी हवाएं, ठीक है, इस तरह से हवाएं बहती हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इस तरह से जब ये हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोमंडल पे सर्दियों में बारिश होती है। आपको पता है कि केरल के साइड पे सर्दियों में बारिश होती है, तो यहाँ पे भी बारिश सर्दियों के टाइम पे होती है कोरोमंडल पे, जिसकी वजह से कावेरी रिवर 12 माह ऊंचामुच मतलब पानी से भरा रहता है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। मानसून जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी पश्चिमी पूर्वी हवाएं कौन सी होती है, कहां से आती है, तो ये सब चीजें समझानी पड़ेगी, तो मैं इसको लेफ्ट आउट करके उधर पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए
अगला आप क्या है वैगाई, ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हैं वैगाई, ठीक है। तो वैगाई रिवर ये कहां से निकलती है, वरुणा झील से, कहां से वरुणा झील से, इसको लिख लीजिए वैगाई कहां से निकलती है, वरुणा झील से निकलती है और फिर यहाँ पे रामण्य, ठीक है इसको लिख लीजिए नाम यहाँ पे रामेश्वर, रामेश्वरम, क्या रामेश्वरम के पास जाके मिल जाती है, ठीक है यहाँ पे रामेश्वरम के पास, जब कहां से वैगाई निकलती है ये नाम याद रखिए, और रामेश्वरम के पास ठीक है जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, ठीक है। हाँ यहाँ पे पाक की खाड़ी बोलते हैं इसको, जिसे बंगाल की खाड़ी उसी तरह से यहाँ पे पाक की खाड़ी है, रामेश्वरम प्लेस के जगह पे यहाँ पे रामेश्वरम से उनके पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है, आप इसको लिख लीजिए पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला लिखिए, अगला रिवर कौन सी, ताम्रपड़ी, ताम्रपड़ी कहां से निकलती है, अगस्त मलाई हिल से निकलती है, अगस्त मलाई हिल से निकलने के बाद यह कुछ दूर फ्लो करती है और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी बोला जाता है कि मन्नार की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई रिवर्स के बारे में, ठीक है बस इनके ओरिजिन और कहां जाके मिलती है इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है क्योंकि इनमें से इतने क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत छोटी छोटी रिवर्स देखने जाओगे तो हमको पीएससी तो करनी नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक है बहुत ज्यादा छोटी छोटी रिवर है, सैकड़ों छोटी छोटी एक रिवर्स के बारे में तो देखना है आपको तो आप देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, रिवर्स के बारे में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर के बारे में। अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा, ठीक है अब रिवर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो अब रिवर्स चैप्टर क्लोज। अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, डिसाइड करूंगा कि सॉइल स्टार्ट करूं, मॉनसून स्टार्ट करूं या वन के बारे में स्टार्ट करूं, खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो ये टॉपिक मैं सोचूंगा पहले कि इनसे रिलेटेड ही कुछ आ जाए, क्योंकि अदर चीजें बताने से पहले वो चीजें तो आनी चाहिए ना। अभी जैसे यहाँ पे हम अटक गए, अभी मैं आपको मॉनसून बताना पड़ेगा फिर ये आपको समझेगा, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट आउट कर दिया। इसको नेक्स्ट टाइम मॉनसून में मैं ये पॉइंट जरूर डिस्कस करूंगा, नहीं करूंगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं डिस्कस जरूर करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है तब तक के लिए बाय। और हाँ एक पॉइंट और रह गई कि प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप देख रहे हो ठीक है, बट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी जिसको जरूरत है प्लीज उसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो चीजें नहीं समझती है आप मुझे भेजिए, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ सुधार करनी वो भी बता सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है मैं बीच बीच में नामों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, ठीक है जल्दी नहीं भूलता हूँ, मुझे याद रहती है, बट इन सारी चीजों को बताने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दो पॉइंट छूट जाए, ठीक है मुझे नाम याद हो जाएंगे बट पॉइंट्स छूट जाएंगे कुछ मतलब निकलेगा नहीं, इसीलिए मैं नाम पे फोकस ना करके मुझे जितने पॉइंट्स बताने हैं उतने पॉइंट्स मैं बताता हूँ। तो आप मेरे बारे में ना सोचिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी पॉइंट ना रह जाए, ठीक है इसलिए आपको मैं पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। नाम पे क्या है, नाम तो आप अभी मैं लिख दिया नाम हो गया, बट अगर पॉइंट्स छूट जाए जैसे कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ये है गोदावरी, ठीक है कहाँ की, साउथ इंडिया की, अगर ये छूट गया तो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो बंद्रा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, ट्रिब्यूटरीज है इसकी, तो अब ये मैंने नहीं बताया होता और मैं नाम पे ध्यान दिया होता फिर ठीक है, तो नाम हो जाएगा यार, नाम पे प्रॉब्लम नहीं है, एक दो दिन कंटिन्यू पढ़ा तो याद होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।